रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन रेसिपी देख करके आपको लग रहा होगा कि अरे बड़े ताम झाम से बनी होगी पर ये चिकन रेसिपी देखने में जितनी अमेजिंग है बनाने में उतनी ही आसान और बहुत टेस्टी है कोई भी इसको बना सकता है चाहे वो कुकिंग में नया हो या पुराना तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम उसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच साथ ही में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ज़ीरा पाउडर वन फोर टी स्पून गर्म मसाला एक चौथाई चम्मच नमक आधा चम्मच आधा कप दही और एक अंडा डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी बीच आप वीडियो किस देश किस सिटी से देख रहे हैं अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे जान करके बड़ी खुशी होगी और बड़ा अच्छा लगता है मोटिवेशन भी मिलता है और साथ ही मैं आपको थैंक्स भी बोल पाऊँगी अब मैंने मिला दिया है इसको रख देंगे आधा घंटे के लिए कढ़ाई चढ़ाई है कढ़ाई में तेल लिया है थोड़ा और तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटी हुई तो एक बड़ी प्याज है जिसको बारीक चॉप करके लिया है और इसको प्याज को गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रेसिपी है प्याज यहाँ पर गोल्डन हो गई है और एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें और इसके साथ भी इसको दो मिनट तक भून लेंगे अभी डालेंगे इसमें मसाले तो क्लाक वाइज अगर हम चलें तो इसमें है हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक सेंटर में तो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं आप स्क्रीन पे देख लें इनकी क्वांटिटी मसालों को डाल देंगे और धीमी आंच पर इसको एक से डेढ़ मिनट तक भून लेंगे जिससे मसाले हमारे जले नहीं अभी डाल देंगे इसमें आधा कप टमाटर और टमाटर का पेस्ट मतलब दो टमाटर थे बड़े साइज़ के इनको पीस लिया है अभी टमाटर के साथ भी इसको पका लेंगे तो दो तीन मिनट तक टमाटर को पकाएंगे आज को धीमा कर देंगे और इसी बीच चलिए यहाँ पर अपने चिकन को देख लेते हैं आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए अभी ये मैंने वुडन स्क्ूअर्स लिए हैं तो यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया था जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई हूँ आपको भी बोनलेस ही लेना है और आप इस तरह से स्टिक्स में इसको लगा देंगे क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर बहुत आसानी से बस सारे लगा दिए हैं अब जो मैरिनेट बचा है इसको हम यूज़ करेंगे ग्रेवी में तो यहाँ पर टमाटर भी पक कर के बिल्कुल तैयार हो गया देख रहे हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है ये बचे हुए मैरिनेट में इसमें काफ़ी सारे मसाले हैं दही है तो ये सब मसाले में अपने करी में डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएँगे जब तक कि अच्छी तरह से ग्रेवी में ये दही वाला मसाला मिक्स नहीं हो जाता और पकना शुरू हो जाए तब तक इसको पकाएंगे आधा कप के करीब पानी डाल करके इसको आप धीमी आंच पर रख देंगे और इसको कम से कम पाँच छः मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे ढक्कन लगा देंगे और छोड़ देंगे अब दूसरे साइड पे यहाँ पर हम दूसरा पैन लेंगे तो मैंने इस तरह का ग्रिल्ड वाला पैन लिया आप नॉर्मल भी ले सकते हैं अब ये सारे जो हमने सीखे तैयार की थी इनको डाल देंगे और इनको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पक जाने देंगे तो तीन चार मिनट तक एक साइड पे पकाएं पलट दें और फिर दूसरी साइड से पका लें तो इस तरह से दूसरी साइड भी हम पकाएंगे और अलट पलट करके जब तक पकाएंगे जब तक बढ़िया अच्छे गोल्डन कलर के मार्क्स नहीं आ जाते और चिकन पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता तो थोड़ी देर के लिए ढक भी दिया था जिससे अच्छी तरह चिकन अंदर तक कुक हो जाए अब यहाँ पर परफेक्ट मार्क्स आ चुके हैं ग्रेवी भी तैयार है और इसमें डाल देंगे अब मिल्क क्रीम वन फोर्थ कप मतलब एक चौथाई कप के करीब इसमें क्रीम डालेंगे और धीमी आंच पर इसको मिला देंगे आंच को धीमा ही रखेंगे अब जो भी हमारे चिकन टिक्के तैयार हुए हैं सारे इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से कुक्ड हैं तो बस अब ग्रेवी के साथ मिक्स करना है ग्रेवी के साथ इसको बहुत देर पकाना नहीं है ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और बस गैस को बंद कर देंगे और मिक्स कर देंगे तो बस इसी तरह से आप जब रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर करते हैं तो आपको इसी तरह से बना के दिया जाता है देख लिया आपने कितनी आसानी से बना है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं तो आप भी किसको घर पर बना सकते हैं नो मैटर कि आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं या नए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बस वीडियो देखें और आराम से बनाएं बनाने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी आपको पसंद आई या नहीं आई या आपकी फेवरेट रेसिपी क्या है आगे आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताया करें जिससे मुझे आपकी पसंद का पता चलता है और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपकी पसंद का जानना बहुत ज़रूरी है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और देखते रहें समस्थ किचन ऐसे मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपीज़ के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में थैंक यू सो मच